पार्ट, साइकोलॉजिकल पार्ट जो होता है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, दैट इज सेम फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। उसमें मेल चाइल्ड विल बी प्रोवाइडेड गुड फूड, they will be provided new clothes, but female child will not be given that much importance, या तो जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं या फिर जरूरत से कम सो रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अब अगर आप किसी से भी बात करिए जिसको आप ट्रस्टवर्दी समझते हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपकी दोस्त है, आपकी मदर है, फादर है, आपके बच्चे हैं, आप कोई भी है, Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. Today we are going to discuss the rising mental health issues among women. We will also discuss its causes, symptoms and the coping strategies. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक Knowledge Stairs को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डिप्रेशन, किस चीज को हम कहते हैं डिप्रेशन। सी, प्रॉब्लम्स कम्स इन एवरीबॉडीज लाइफ, बट इफ प्रॉब्लम आर कमिंग इन समबडीज लाइफ, इफ अ पर्सन इज टेंशनाइज्ड, देन एवरी टेंशन कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन। कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होती है, वेदर इट्स एकेडमिक और फिनेंशियल और मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम और प्रॉब्लम रिलेटेड टू किड्स और प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली और एनी अदर प्रॉब्लम और वर्क प्रेशर, और कुछ ना कुछ इंसान रिमेन्स बिजी और रिमेन्स टेंशनाइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट कैन वी से कि एवरी टाइम व्हेन अ पर्सन इज बिजी या एवरी टाइम अ पर्सन इज टेंशनाइज वी विल कॉल दैट सिचुएशन एज अ डिप्रेशन कंडीशन? नो, एक इंसान जब भी किसी प्रॉब्लम में मुब्तला होता है तो कम से कम 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में अपना नॉर्मली एक सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। बट इफ अ पर्सन इज टेंशनाइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो 2 महीने तक परेशान ही है और कॉन्टिन्यूसली उसके कुछ अलग टाइप के सिम्टम्स वो फेस कर रहा है, देन दैट इज अ सीरियस इश्यू, देन वी विल कॉल इट एज अ डिप्रेशन कंडीशन। हर कंडीशन को हम डिप्रेशन कहें, दैट इज नॉट करेक्ट। हर टेंशन को हम डिप्रेशन कहें, दैट इज नॉट करेक्ट। हर टाइम ऐसा होता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान परेशान होता है, बट एवरी प्रॉब्लम कांट बी कॉल्ड एज अ डिप्रेशन। तो सबसे पहले तो ये जो हम लोगों का मिसकंसेप्शन है कि किसी भी इंसान को देखा और देखा कि वो 2-4 हफ्ते परेशान है तो उसे कह दिया कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो हर चीज डिप्रेशन नहीं होती, डिप्रेशन के अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। एंड व्हेन अ पर्सन कॉन्टिन्यूसली रिमेन्स इन द सेम कंडीशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड, दैट इज, दिस डिप्रेशन इन मेल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द डिप्रेशन इन फीमेल्स। अब ये बात बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी, क्योंकि एक इस तरीके की सोसाइटी है जहाँ पर मेल के बारे में अलग तरीके से बात की जाती है और फीमेल्स के लिए अलग तरीके से बात की जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज आस्क्ड कि डिप्रेशन मेल का अलग होता है और फीमेल्स का अलग होता है या दोनों का सेम होता है। तो अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, दैन वी विल फाइंड द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड एज द साइकोसोशल इशूज़। So discussing the main cause has been divided into the 2 parts, that is the psycho and social issues. तो साइको जो पार्ट है, दैट इज द साइकोलॉजिकल पार्ट। साइकोलॉजिकल पार्ट जो होता है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, दैट इज सेम फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। उसमें मेल का डिप्रेशन अलग और फीमेल का डिप्रेशन अलग नहीं होता है, दैट इज सेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। बट इफ वी टॉक अबाउट द डिप्रेशन ड्यू टू द सोशल कॉजेज, देन सिंस द आर्यन सिविलाइजेशन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी दैट इज अ कम्प्लीटली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। सो हमारे यहाँ जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, जिस तरीके का सोसाइटी है, जिस तरीके के सोशल इन्वायरमेंट है में जिसमें हम रहते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल। अगर किसी सोशल इशू की वजह से, किसी सोशल इन्वायरमेंट की वजह से अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है तो दैट कॉज विल बी डिफरेंट फॉर मेल्स एंड दैट फॉर फीमेल्स। फीमेल्स पे हम ये ज्यादा स्टडी करते हैं कि अलग कॉजेस होते हैं, उसकी वजह यही है बिकॉज सिंस वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ एनवायरनमेंट दैट इज अ कम्प्लीटली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की डेट में भी दैट इज अ कम्प्लीटली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। इंडिया हैज कम टू अ वेरी डेवलपमेंट फेजेस और बहुत सारे फेजेस से आते आते आज की डेट में हम बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, बट इवन देन सच टाइप of differences can be seen in the rural areas and in some parts of the urban areas as well. आज भी हमारे यहाँ ये differences देखने को मिलते हैं। So अगर social issues हो रहे हैं तो इसकी वजह है main, हम इसकी अगर वजह जाननी है तो first of all we will see कि the where the person is living at, उसका environment क्या है, उसके आसपास घर किस तरीके के हैं, what people are surrounding that lady। तो उसके बाद हमें समझ में आएगा what traditions are being followed in her family, then we will get out के what type of mental pressure that lady is going through and that is why her depression will be different from the depression of male. That is why the psychological issues are same for both male and females, but the social issues are different for males and females. So this is the main reason for the depression in females. So let's discuss the main causes of depression in females. सबसे ज्यादा द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी मैं डिस्कस कर ही रही थी उसी का पार्ट है डिफरेंसेस इन अपब्रिंगिंग। हमारे यहाँ एक पैदाइश के टाइम से इस तरीके की एक डिफरेंसेस होते हैं, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इस तरीके से समझाया जाता है दैट द मेल चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फीमेल चाइल्ड। आई एम नॉट सेइंग इट दैट इन 100% फैमिलीज दिस प्रोसीजर या दिस ट्रेडिशन इज बीन फॉलोड, बट इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो वुमेन बाद में आगे जाके डिप्रेशन का शिकार होती हैं उनके पीछे वजह यही रहती है कि उनके साथ बचपन में कोई भेदभाव हुआ होता है पैदाइश से ही लेके। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मेल चाइल्ड विल बी प्रोवाइडेड गुड फूड, दे विल बी प्रोवाइडेड न्यू क्लोथ्स, बट फीमेल चाइल्ड विल नॉट बी गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस शुड हैव बीन गिवन टू अ मेल चाइल्ड। सो ये जो होता है ये उसके दिमाग में ये बात बस जाती है और उसकी वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे उस टाइम से बचपन से ही डिप्रेशन की कंडीशन नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती रहती है वो चीज उसके दिमाग में बढ़ती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो है डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, क्योंकि उसने हमेशा समझा कि मेल चाइल्ड को या घर के जो लड़के हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सो जो ये अपब्रिंगिंग का हमारे यहाँ डिफरेंस है, बचपन से सिखाया जाएगा लड़की हो तो ये करना है, इस तरीके से बैठना है, ये काम करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे यहाँ हर चीज में लड़कियों को जिम्मेदारियां बताई जाती हैं, तो लड़कियों की ही खाली जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, वो उनके जहन पे असर डालती हैं, वो बड़े होके निकलती हैं एक डिप्रेशन के शक्ल में। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वजह है जो हमारे यहाँ डिफरेंस सोसाइटी में देखने को मिलता है, जो डिप्रेशन का वुमेन के अंदर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है। देन द सेकेंड थिंग इज चेंज इन हार्मोन्स। हार्मोनल कंडीशन जो होती है उससे एक लेडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हार्मोनल कंडीशंस की वजह से भी कई बार देखते हैं कि उनके बिहेवियर में चेंज आता है। सम लेडीज इवन फेस प्रॉब्लम टाइम ऑफ पीरियड्स, वो मूड स्विंग होता है बट वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। मेनली हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर और डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद वो जो बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में वो एकदम से लूज होते हैं, तो उन हार्मोन्स के लूज होने की वजह से एक लेडी की बॉडी चेंज होने लगती है। फिर वो एक पेन से गुजरी होती है, वो डिलीवरी का पेन जो होता है, एंड साइड बाय साइड शी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो वो जब ढेर सारी चीजें एक साथ आती हैं तो दैट क्रिएट्स डिप्रेशन इन वुमेन। ये कई बार देखा गया है कि जब डिलीवरी के बाद या न्यू बॉर्न बेबी के बाद लेडीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि उनकी बॉडी, ये बायोलॉजिकल रीज़न है कि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और उन हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से उनके अंदर डिप्रेशन आता है। देन फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कई बार क्या होता है कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है कि बच्चे बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें फील करते हैं या उनके साथ हो जाती हैं जो उस टाइम पर इतनी अक्ल नहीं होती कि वो कुछ उसे समझें और उस चीज़ को किसी से बता पाएँ। और जैसे जैसे उनकी लाइफ बढ़ती रहती है, जैसे जैसे उनके अंदर अक्ल आती रहती है, जैसे जैसे वो इन चीज़ों की गहराई को समझने लगते हैं, दे कॉन्टिन्यूसली कीप थिंकिंग अबाउट दो सिचुएशंस, और उसके बाद वो एक डिप्रेशन की कंडीशन में जाने लगते हैं। बचपन में होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस टाइम पर उन्हें टेंशन नहीं होती या वो उस टाइम पर डिप्रेशन में नहीं जाते, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर उन्हें इतनी समझ नहीं होती है तो वो उस टाइम पर कई अपना माइंड भी डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं वो चीज उनके दिमाग में बस जाती है, और जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं और ये समझते हैं कि वो किस सिचुएशन से गुजरे थे बचपन में, तो वो उनको एक बहुत ज्यादा टेंशनाइज करने लगती है। और उसकी वजह क्या होती है? दे रिमेन सेपरेट फ्रॉम द अदर पर्संस। वो दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते, दूसरे से बात करना नहीं चाहते, किसी से उन्हें एक डर, एक दिमाग में एक डर बैठ जाता है, वो हर इंसान को देख के एक डर महसूस करते हैं। तो ये जो एक बचपन में हो गई चीज़ है ये बड़े होकर डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करती है। देन कम्स द स्ट्रेसफुल लाइफ। स्ट्रेसफुल लाइफ क्या है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जॉब, ज़्यादातर लेडीज़ जॉब नहीं करती थीं। अब उस टाइम पर क्या था कि जॉब ना करने की वजह से उनके पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी रहती थी। अब आज की डेट में क्या है, मेल्स ऑल्सो वांट के देयर वाइफ शुड वर्क, और गर्ल्स भी या लेडीज भी खुद करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। अब नाउ दे आर सराउंडेड विद सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिलीज, फैमिली भी दो फैमिली, एक देयर बेसिक फैमिली जिसमें उन्होंने खुद जन्म लिया, दूसरी फैमिली जिसमें वो शादी होके आई, दोनों फैमिलीज की जिम्मेदारी उनके पास होती है, प्लस हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किड्स होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर वर्क प्लेस पर उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ का प्रेशर होता है, घर के काम होते हैं, मार्केट का काम होता है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो जा रही हैं तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किस तरीके के लोग मिलते हैं रोज़ और किस तरीके की चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती, ये सब मिला के उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब ये खाली ये वजह नहीं है कि पहले जॉब नहीं करती थी तो इस डिप्रेशन में नहीं रहती थी, लेकिन क्योंकि आज की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है और इतना ज़्यादा लोग बिजी हो गए हैं तो अब हर चीज़, हर कोई उनसे 100% मांग रहा है। ऑब्वियसली एक बच्चा है वो अपनी मदर से पूरा 100% डिवोशन मांगता है, एक फैमिली है वो एक लेडी से पूरा 100% डिवोशन मांगती है। आप वर्क प्लेस पर हैं तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप लेडी हैं तो आप आधा काम करें। तो जब वो हर तरफ बट जाती है और बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है तो ये भी एक रीज़न रहता है डिप्रेशन का, वो फिर डिप्रेशन की तरफ जाने लगती है। देन कम्स दी एक्सपेक्टेशंस। ये एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल्स, ये एक बेसिक फैक्ट है। और फीमेल्स जो होती हैं दे एक्सपेक्ट समथिंग, वो दे वांट लव, दे वांट केयर, दे वांट अटैचमेंट, दे वांट अंडरस्टैंडिंग। अब ये वाली जो फीलिंग होती है ये जब नहीं मिलती तो एक इंसान सबसे ज़्यादा वजह है डिप्रेशन में जाने का। ऐसा नहीं है कि खाली यही वजह है, सम आर इवन मटेरियलिस्टिक एंड दे वांट सम फाइनेंशियल थिंग्स एज वेल। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट हो गई हैं आज की डेट में लेडीज़, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से वो जो मटेरियलिस्टिक पार्ट है वो तो वो खुद पूरा कर लेती हैं, अपनी जितनी भी फिनेंशियल नीड्स हैं वो तो आज की डेट में खुद कमा के पूरा कर ले रही हैं। बट जहाँ पर भी इमोशनल नीड्स आती हैं वहाँ पर वो इंसान, वो शख्स डिपेंड हो जाता है दूसरे के ऊपर, और जब दूसरे पे डिपेंड होता है वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो डिप्रेशन का रीज़न बनती है। एक लेडी ऑलवेज वांट के द टाइप ऑफ लव आई एम प्रोवाइडिंग, द केयर आई एम डूइंग, तो वो दैट लव एंड केयर शुड कम बैक टू मी, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह एक बहुत बड़ी हमारी डिप्रेशन की होती है। देन कम्स द डिफरेंसेस एट वर्क प्लेस। ये खासकर हम हर फील्ड में तो नहीं कहेंगे, बट मोस्टली एट द कॉर्पोरेट सेक्टर वी सी सच टाइप ऑफ थिंग्स के मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर वर्किंग एट द सेम स्पीड, एट द सेम लेवल, सेम कैटेगरी, सेम पोस्ट, बट फीमेल्स आर पेड लेस एज कम्पेयर टू मेल्स। या जहां पर भी प्रमोशन की बात आई तो वहां पर फीमेल्स को प्रमोट बाद में किया जाता है, मेल्स को प्रमोट पहले कर दिया जाता है। तो जहां पर भी ये डिफरेंसेस आते हैं वर्क प्लेस पर, वो भी एक वजह बनती है डिप्रेशन का, कि हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, एक मेल हमारा जो कुलीग है वो भी उतना ही काम कर रहा है, हम भी उसी पोस्ट पर हैं और मेल में कुलीग भी उसी पोस्ट पर है, बट वाई आई एम पेड लेस एंड वाई ही इज पेड मोर। तो ये जो एक डिफरेंस आता है ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है एक औरत के डिप्रेशन का। देन राइजिंग साइबर क्राइम टूवर्ड्स वुमेन, तो ये तो एक आज की डेट में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ इशू है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। साइबर क्राइम विद द इन्वेंशन ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, एवरीबडी हैज मेड देयर लाइफ सोशल। अब क्या हो रहा है, अपनी लाइफ पर्सनल ना रख के हम सोशल बना दी हमने अपनी लाइफ। अब सोशल बनाने से क्या हो रहा है कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो हमारी पर्सनल ही रह गई, बट वी आर शेयरिंग आवर पर्सनल लाइफ विद अदर्स। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले क्राइम किस तरीके का होता था, क्राइम होता था चोरी हो गई, डाका पड़ गया, बट आज की डेट में जो क्राइम हो रहा है वो आपके ऊपर मेंटल असर डालता है। वो आपकी खाली चीज़ें नहीं चुराता बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ की वो चीज़ें चुरा लेता है या वो चीजों पे अटैक करता है जो आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं। अगर आप पहले क्या होता था, चोरी हुई या डाका पड़ा, वो आपके दिमाग पर वो असर नहीं डालता था, ना कि आज की डेट में जो आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है वो डिप्रेशन में आपको डाल देता है। सो दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ राइजिंग साइबर क्राइम टुवर्ड्स वुमेन। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ डिप्रेशन ऑफ वुमेन। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स। हमें देखने को क्या मिलते हैं, किस तरीके के सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक इंसान डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आपकी भूख मिट रही है, आपकी भूख मिट रही है तो वो आप समझिए कि आप कॉन्टिन्यूसली खाना स्किप कर रहे हैं, देन दैट इज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। देन स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अगर आप प्रॉपरली या तो ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम सो रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, अब अगर आप 8 घंटे की से ज़्यादा या तो 12-12 घंटे सो रहे हैं, दैट ऑल्सो मीन्स कि यू आर अंडर डिप्रेशन। और अगर आपको रात भर नींद नहीं आ रही या आप पूरे दिन में 24 घंटे में 2-3 घंटे सो रहे हैं, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स द डिप्रेशन। देन कम्स इरिटेशन और एंगर। डिप्रेशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हर बात पे इरिटेट होते हैं, आपको कोई भी चीज़ खुश नहीं करती, आप हर चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है, इरिटेट करती है, दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। देन इंक्रीज वीपिंग। आपको रोने का बहुत दिल चाहता है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इंसान को बार बार आंसू आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं, या कुछ नहीं है तो खाली बैठे बैठे एकदम से रोना आ गया, तो ये एक रोने वाली, जब बहुत ज़्यादा इंसान रोने लगे तो ये एक सीरियस इशू है और ये लगता है कि हाँ अब इंसान डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। देन लैक ऑफ एनर्जी। आप किसी काम में आपका दिल नहीं लगता, जो आप हर वक्त जो है अपने आप को डल महसूस करते हैं, इनएक्टिव महसूस करते हैं, किसी काम में लग रहा है कि बॉडी टूट रही है, बॉडी पेन हो रहा है, तबकि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, आपको लगता है ऐसा। तो जब आपकी एनर्जी लूज होने लगे, आप बिल्कुल किसी काम में इंटरेस्ट ना लेने लगे, तो भी एक ये वजह होती है, ये भी एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का। देन आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपको इंटरेस्ट अगर ख़त्म हो जाए, डेली एक्टिविटीज़ आपकी जो है आप अपना वर्क करते हैं या आप घर पे रहते हैं या वर्क प्लेस पर हैं, तो आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही हैं। आप उनमें काम में पहले बहुत इंटरेस्ट और बहुत इंथुजियाज़म के साथ करते थे, लेकिन आप बहुत ही चलताऊ और बहुत ही डिसइंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। किसी दिन कोई, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, किसी दिन कोई परेशान है तो उसे हम डिप्रेशन में नहीं डालेंगे, बल्कि अगर कोई कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से करता है तो फिर वो डिप्रेशन का एक सिम्टम होता है। देन फीलिंग ऑफ होपलेसनेस कि हर चीज हमें नेगेटिव लग रही है, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। देन दैट इज अ कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। डोंट वॉन्ट टू मीट एनी वन, दिल ही नहीं चाहता किसी से मिलने का, किसी से बात करने का, अवॉइड करने लगते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी कंपनी को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। देन दैट इज डेफिनेटली अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। अगर आप खुश होंगे अंदर से तो आप सबसे मिलना भी चाहेंगे, आपको ये लगता है कि नहीं हम खुश नहीं हैं, दूसरा आपको आप अवॉइड करने लगते हैं, आपको लगता है कि दूसरा हमसे पूछेगा क्या रीजन है, तो आप ऐसा हो जाता है कि लोग मिलना ही नहीं चाहते, किसी से मिलना ही नहीं चाहते, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। देन कम्स द इनसिक्योरिटीज। ऑब्वियसली जो लोग फैमिली को लेके डिप्रेशन में जाते हैं तो उन्हें फैमिली इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरा हस्बैंड मुझसे दूर हो जाएगा, या फिर कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है तो मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा घर छिन जाएगा। तो ये सब जो इनसिक्योरिटीज, अगर आपके ऊपर एंग्जाइटी अटैक होने लगे इस तरीके के, तो भी वो एक डिप्रेशन का सिम्टम होता है। और जब ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है तो वो एक सुसाइडल थॉट्स क्रिएट कर देता है माइंड में, कि इंसान को लगता है अब कुछ बचा ही नहीं, अब हमारी लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो गई, अब भी वो आई हैव टू एंड माय लाइफ नाउ। अब वो उस टाइम पर उसे हर वक्त लगेगा मैं कोई दवा खा लूँ, मैं नींद की दवा खा लूँ, मैं अपना हाथ काट लूँ, मैं फांसी लगा लूँ। ये जो थॉट आ जाते हैं ये सबसे अलार्मिंग कंडीशन होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडीशन है कि अब बस यहाँ पर ख़त्म हो गया सब कुछ, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, अब मैं इतना आगे पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक जब कंडीशन आ जाती है तो आपको रियली उस टाइम पर मेडिकल हेल्प की जरूरत हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, लेकिन ये तब पहुंचती है जब आपने डिप्रेशन को अपनी शुरू स्टेजेस में नहीं समझा है और वो बढ़ते 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 वो बिल्कुल जो लास्ट स्टेज होती है वो सुसाइडल वाली स्टेज हो जाती है, कि हम बिल्कुल अब ये सोच रहे हैं बस अब कुछ नहीं, अब हमें सुसाइड कर लेना है, अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गई हमारी लाइफ में, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो नेगेटिव थॉट की इंतहा होती है वो सुसाइड की तरफ ले जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल टाइम पे देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, हम ये देखते हैं कि इस तरीके के सुसाइडल थॉट्स बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के दिमाग में भी आते हैं। हमने खुद देखा है, अभी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत, ऑल्दो मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगी सुशांत सिंह का, पर वो क्या हुआ अपनी वो डिप्रेशन की इंतहा पर पहुंच गया था। तो इसी तरीके से हम जिया खान या प्रत्यूषा बनर्जी की बात करें कि वो भी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं और उन्हें भी अपना या तो वर्क प्रेशर रहा या फैमिली की प्रॉब्लम रही, कुछ भी ऐसा रहा जिसकी वजह से उनकी डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सुसाइड तक पहुंच गया। Then about the coping strategies for depression, first is talk about your problem. If you are facing any problem, then definitely talk with somebody. किसी से भी बात करिए जिसको आप trustworthy समझते हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपकी दोस्त है, आपकी मदर है, फादर है, आपके बच्चे हैं, आप कोई भी है, आप बात करिए। कोई नहीं समझ में आ रहा तो जाके काउंसलर से बात करिए, लेकिन जो भी ट्रस्टवर्दी है आप उससे बात करिए। कई बार क्या होता है कि हम कई बार अपने दिमाग में कुड़ते रहते हैं और हम जो है सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, और कई बार क्या होता है सिर्फ हमने डिस्कस किया और हमारा दिल हल्का हो गया और हमें खुद ही कुछ सॉल्यूशन नजर आने लगा। सो कभी भी चीजों को छुपाइए मत, अपने जहन में उसे टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, बात करना शुरू करिए। देन स्टे एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज और फंक्शन, जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, पार्टीज अटेंड करिए, डरिए मत, लोगों से छुपिए मत, कोई आपसे कुछ नहीं पूछ लेगा। एवरीबडी इज एंगेज इन सम टाइप ऑफ टेंशन, कोई भी आज की डेट में टेंशन से फ्री नहीं है। एवरीबडी इज फेसिंग सम टाइप ऑफ द अदर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि खाली आप ही हैं जो टेंशन आइज है, सबके पास कोई ना कोई टेंशन है। तो मिलिए, जाइए, बात करिए, लोगों से बात करिए, अपना माइंड डाइवर्ट करिए। देन गेट इनफ स्लीप, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, वो तो हर इंसान को लेनी ही चाहिए। देन इंक्रीज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये एक ऐसी चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको एक मजबूती देती है, आपको एक इत्मीनान दिलाती है कि हम एकेडमिकली जब इंसान मजबूत होता है तो बहुत सारी चीजों पे फतेह हासिल कर लेता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद आपको लगने लगेगा कि हम दुनिया से लड़ सकते हैं। देन मेडिटेट, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वो तो बहुत जरूरी है, उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन से बाहर आता है। रिक्रिएट योर हॉबीज, जो हॉबीज आपकी पहले थी, बचपन से थी, आपको अच्छी लगती थी, काम करना, गाना गाना, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, पोएट्री, कुछ भी जो अच्छा लगता था, मूवीज देखना अच्छा लगता था, बाहर जाना अच्छा लगता था, वो करिए। दोबारा रिक्रिएट योर हॉबीज, जिस चीज से आप भाग गए हैं, दूर निकल आए हैं, उसे रिक्रिएट करिए। रिक्रिएट करेंगे तो आप वापस अपनी जगह पर, वापस अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगेंगे। ट्राई समथिंग न्यू, जो चीज आपके दिल में बचपन से थी कि हम ये करना चाहते हैं। सपोज कोई चाहता था कि मैं जो हूँ वायलिन बजाना सीखूं, बचपन से टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, आपने नहीं किया, आज करिए। अब जैसे ही आप वो चीज पे करेंगे जो चीज आपकी ख्वाहिश थी, तो आप हमेशा वो उस चीज को इंथुजियाज्म के साथ करेंगे। देन फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव थिंग, जो नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव बातें हो रही हैं, सुनिए मत, छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, उन लोगों से मिलना छोड़ दीजिए, वहां जाना छोड़ दीजिए, और फोकस ओनली एंड ओनली ऑन पॉजिटिव थिंग्स। एंड द लास्ट थिंग इज ट्रेवल। मैंने एक जगह एक कोट पढ़ी थी, व्हेन यू आर इन डाउट ट्रेवल। अगर आप डाउट में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, स्टार्ट ट्रैवलिंग, कहीं घूमने जाइए, कहीं जाइए, लोगों से मिलिए, आप नई नई चीजें देखेंगे, आपका माइंड खुलेगा, आप ज्यादा अब लाइफ को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। तो द लास्ट थिंग, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, देन स्टार्ट ट्रैवलिंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, गुड लक।